भाई देखते ही आपके मुंह में तो भाई श्योर पानी आ चुका होगा। यहाँ पे बाहर के जो लोग आते हैं वो हमारे मेहमान हैं। इस समय हम श्रीनगर डल लेक के अंदर और आज आपको दिखाने वाले हैं लाइव बोट के अंदर बारबेक्यू कैसे होता है। तो आइए। कैसे आप सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं सर? हाँ बस ठीक है, मैं आपके लिए ये बनाने आ रहा हूँ। क्या बना रहे हैं यहाँ पे? चिकन टिक्का है, चिकन कबाब है, मटन टिक्का है, फिश टिक्का है। अरे भाई साहब, वो भी इस बोट के अंदर? सच्ची में? बोट के अंदर ये सब हो रहा है, जैसे थाईलैंड में होता है यहाँ पे भी ऐसा ही है। अरे भाई साहब इतना मस्त जुगाड़ वो भी बोट के अंदर कर रखा है, शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। सही बात है जी 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 जी। तो भाई ये आपको थाईलैंड में मिलेगा ऐसे, जैसे कि मतलब यहाँ पे भेज रहे हैं कश्मीर में। हाँ जी, ये खाली थाईलैंड में होता है। हाँ जी, अभी कौन से कबाब बनाने जा रहे हैं आप? अभी मैं आपके लिए फ्रेश चिकन कबाब बनाने जा रहा हूँ। अरे वाह जी, और ये कश्मीर में आपके अलग कैसे हैं और लोगों से? ये थोड़ा फेमस डे है बॉबी, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में फेमस डे है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे बनाते हैं। हाँ जी, हम भी यही काम करते हैं। ओके, बहुत बेहतरीन। हाथों की मदद से देखिए, बढ़िया तरीके से कलाकारी। भाई ये किसे कहा जाता है बेहतरीन कलाकारी? देखिए बहुत बढ़िया, हल्का सा पानी लगाया जा रहा है जो चिकन है ना, बढ़िया तरीके से उनकी डंडियों से चिपक जाए। और इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से मसाले होते हैं, कुछ अलग चीज होती है इसके अंदर? इसमें बड़ा इलायची। हाँ जी, और थोड़ा सा गरम मसाला डालना पड़ता है, और इसमें है धनिया का, वो हरी धनिया। अरे वाह भाई, आप देख सकते हैं कितना मस्त है यहाँ पे माहौल हो रहा है, और माहौल में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए। और अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन है भाई, आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा लिटरली सच में। प्लेट आपका एक प्लेट है फिश, और ये फिश भी लग रही जा रही है, देखिए बहुत बेहतरीन। ये पहले से इनकी मैरिनेटेड रहती है, यहाँ पे आते हैं बारबेक्यू को करके सिंपल लोगों को खिलाते हैं और अपना जायका खिलाते रहते हैं। सही कह रहा हूँ सर? जी जी। आमतौर यहाँ पे बाहर के जो लोग आते हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनको खुश रखना है, उनकी मेहमान नवाजी करनी है। क्या बात है, हमारा यही काम होता है। या पाक यूसुफ और भला भाई भाई समझे आते, अभी लगने जा रहा है यहाँ पे इनका पनीर। पनीर, पनीर टिक्का है क्या ये? पनीर टिक्का। पनीर के पीस बड़े कमजोर लग रहे हैं आपके? कमजोर नहीं है, ताकतवर है। ताकतवर है बहुत बेहतरीन। अभी मैं आपको चटनी डालूंगा प्लेट पे, और बहुत सारे तीन चार किस्म की चटनियां बनाई हुई है यहाँ पे। ये कौन सी है? ये गोभी मूली की है, इसमें खीरा और गिरी डाली हुई है। अच्छा, और ये गाजर की चटनी है। ओके, पूरा बाउल निकाल लो। और ये हरी मिर्च धनिया की चटनी है। ओके, और यहाँ पे ये प्याज की चटनी है। अच्छा, चटनी की पूरी भरमार है यहाँ पे। और ये अचार है। ओ क्या बात है, इतने सारे भाई साहब स्वाद आपको एक जगह पे एक प्लेट के अंदर शायद ही कहीं खाने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे चम्मच डाल रहा हूँ, मैं इस पे डाल रहा हूँ। ये हमारी फिश भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बहुत जबरदस्त मैरिनेट कर रखा है, और खुशबू जो आ रही है ना भाई, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। और ये एक और आ गई, क्या बात है जी, देखते ही आपके मुंह में तो भाई श्योर पानी आ चुका होगा यहाँ पे, बहुत बेहतरीन। मोहब्बत अगर आपकी टूट चुकी हो ना, यहाँ आ जाइए, आपकी मोहब्बत तो भाई पक्का पक्का यहाँ से, इन जगह से, इन लोगों से, यहाँ के प्यार से हो ही जानी है। साथ साथ में भाई आप नॉनवेज की वीडियो बहुत कम बनाते हैं, बट भाई जायका ही कुछ इस तरीके का था। मैंने कहा उन नॉनवेज लवर्स तो ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जिनको ये खाने का शौकीन है। भाई चटनी की इतनी सारी वैरायटीज ना हमारे दिल्ली में भी नहीं मिलती सच्ची में, तो ट्राई करते हैं हर चटनी के साथ। फ्लेवर्स बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं, और जैसे ही अंदर गई ना वैसे ही गायब हो गई। वो कहाँ गायब हुई भाई, इन्हीं को पता है इन्होंने क्या जादू मोहब्बत मिलाई है सर ने, मजा आ गया खा के। नो डाउट फ्लेवर्स की कोई कमी नहीं है, और हर चटनी के साथ में एक अलग फ्लेवर आपको मिलेगा, यानी हर एक बाइट में आपको एक अलग फ्लेवर। ये यहाँ की भाई साहब मोहब्बत कह लीजिए, और आप ना खाने के बाद आपके मुंह में ना कुछ देर तक स्वाद इस तरीके से रहेगा, पानी इस तरीके से समुंदर बाहर आता रहेगा कि आप खाते जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर कोई खाने वाला शौकीन आदमी है, तीन चार प्लेट से तो भाई कम में उसकी बात नहीं बनेगी यहाँ पे।